दोस्तों कैसे हो आप सब, मेरा नाम है मानवी जी, आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार बिना किसी टाइम को वेस्ट करे अपन मिल लेते हैं राजेंद्र भैया से। ये वही भैया भैया यार, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए भाई। राजेंद्र भैया को मैं पिछले 3 महीने से बुला रहा था, आई नहीं रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा ही बिजी चलते राजेंद्र भैया, और समाज सेवा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते समाज सेवा में। मतलब राजेंद्र भैया जैसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब कि आजकल अपन काफी लोग देख लेते हैं जो आपसे मिलते हैं यार पर बाद में भूल जाते हैं। तो राजेंद्र भैया ऐसे जो मेरे को जानते भी नहीं फिर भी मेरी रॉयल एनफील्ड ढूंढ के थी। आपको बता दूं दोस्तों 3 मिनट के अंदर मेरी रॉयल एनफील्ड जो है वो चोरी हो गई थी, और राजेंद्र भैया ने केवल 3 दिन के अंदर वो रॉयल एनफील्ड ढूंढ के दे दी। अब यार जो जो इंसिडेंट हुआ वो राजेंद्र भैया आपको थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा हुआ था भैया उस दिन कि एक दिन मैं कार पार्क करने जा रहा था, मैं तो वहाँ पे देखा मैं रॉयल एनफील्ड खड़ी है, तो मैंने देखा रॉयल एनफील्ड किसकी खड़ी है, तो मैंने एक दिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर क्या है, मैं दूसरे दिन वापस गया मैं कार पार्क करने के लिए, तो मैंने कहा रॉयल एनफील्ड खड़ी है, तो मैंने चेक किया हैंडल लॉक नहीं था। मैंने सोचा यार कितना भी बड़ा लोग हो या कितने बड़े कोई भी आदमी हो, कोई रॉयल इनफील्ड जैसी चीज़ को कभी खुला छोड़ के नहीं जाए, ये बात तो है। और प्लस फिर मैंने देखा तो ज़्यादा टाइम मैंने देखा पीछे नंबर प्लेट पे नंबर नहीं थे, तो जैसे वहीं खड़ी वो लोग भी नहीं है। तो मैंने एक बार कॉल किया थाने में, मैंने कहा सर इसी बात है, बोले कि होगी किसी के ले जाएगा, फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरे दिन वापस गया मैं, मैंने कहा आप इसको काफ़ी टाइम हो गया है, फिर मेरे को मतलब होने लगा कि कोई ना कुछ बात है इस गाड़ी में, तो किसी के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर चोरी की गाड़ी है। फिर मैंने उसको ऐसा किया, मैंने भैया से बात करी, मेरा सुमेरपुर में एक भैया रहते हैं जो रॉयल एनफील्ड का काम करते हैं, मैंने उन भैया से पूछा भैया मैं क्या करूँ, फिर उन भैया से बात करी मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, मैंने सब जगह ट्राई भी किया, मुझे पता नहीं चल रहा है गाड़ी किसकी है, क्या हुआ या फिर किसी के साथ गलत तो नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला मुझे कि बेटा ऐसा काम कर, उसका एक जो चेचिस नंबर होता है आगे, उसको घिस के वो नंबर मुझे व्हाट्सअप कर, मैं उसको बता रहा हूँ उसमें क्या 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 नहीं है। फिर मैंने उनको भेजा, फिर मुझे पता चला राजसमंद में भी रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, तो मैं वो चेसिस नंबर लेके भैया को भेजने के बाद मैं रॉयल एनफील्ड के वहाँ पे गया, तो उन्होंने बताया मुझे ये इतनी तारीख को सर्विस हुई है यहाँ पर और इनकी गाड़ी है। मैंने कहा भैया प्लीज़ मुझे इसकी सब इंक्वायरी चाहिए, तो उन्होंने मुझे दे दी। फिर मैंने अंकल को कॉल किया, मैंने कहा अंकल आपकी जो बाइक थी यहाँ पर पड़ी है, तो उन्होंने बताया हमारी चोरी हो गई है और FIR लिखा रखी है। मैंने कहा वो चोरी हो गई पर वो यहाँ पर मिल गई है, पर ऐसा था कि 3 से 4 दिन रेगुलर वहाँ खड़ी थी और काफ़ी लोग ऐसे थे कि उसको उठाने के चक्कर में। और दिन की जो बात थी, रात को मैं जब गाड़ी पार्क करने जा रहा था तो कोई लोग उसको उठा के ले जा रहे थे, ले जा रहे थे, तो फिर मैंने उसको रोका, मतलब जितने मैं उनको आवाज़ दी वो पटक के चले गए। फिर उसको मैंने गाड़ी को उठाया, मतलब रात मुझसे इंक्वायरी से पहले की बात है, उस गाड़ी को उठाया, मैंने घर के वहाँ पार्क करी। फिर मेरी मम्मी ने भी पूछा किसकी गाड़ी क्या है, मैंने सबको बता दिया और मैंने थाने में फ़ोन कर दिया मैंने गाड़ी यहाँ पर रख दी है कि कल को कुछ बात भी हो तो अपने ऊपर नाम भी नहीं आया, तो सारी इंक्वायरी भी कर दी थाने के अंदर। फिर उसके बाद अपने इंक्वायरी तक आप तक पहुँचे, पापा तक पहुँचे, फिर आप लोग आए वो गाड़ी ली, फिर तो आप जानते हैं क्या हुआ था। भाई यार आपको पूरा का पूरा इंसिडेंट समझा दिया इन्होंने, अब मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ क्या हुआ था। भाई 3 मिनट में मेरे घर से बाइक चोरी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता भाई 3 मिनट में हुई, तो मेरे घर में कैमरे उसके थ्रू मैंने देखा 3 मिनट के अंदर चोर चोरी करके ले गया, और मानोगे नहीं केवल 3 दिन के अंदर मिल गई बुलेट, क्योंकि भैया साथ थे, भैया साथ नहीं होते तो नहीं मिलती है। आपकी भी काफी बाइक खोई होगी वगैरह, मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यार ऐसे भैया अगर मिल जाए आपको तो कुछ भी मिल सकता है यार। अभी बता दो यार, अभी ये खुद अभी बहुत बिजी है, मतलब कि थोड़ी देर में मैं वीडियो जल्दी एंड करने वाला हूँ, क्योंकि भैया को क्या निकलना है, अभी भैया को भी ब्लड डोनेट करने जाना है, ओ पॉजिटिव ब्लड है भैया का, तो भाई यार ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए हो तो वो भी आप भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मतलब कि बहुत समाज सेवी में लगे हुए अभी भैया, और ए पॉजिटिव चाहिए हो तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको नीचे दे दूंगा, जीमेल आईडी और तो और आपको इंस्टाग्राम आईडी दोनों मिल जाएगी नीचे। अगर आपको कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो ए पॉजिटिव के लिए, मैं ओ पॉजिटिव के लिए भैया, और भैया यार ऐसे काम में तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यार, इनसे मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई यार, कुछ करो नहीं करो लेकिन यार समाज सेवा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यार आपको भी कह रहा हूँ यार, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ही करना और समाज सेवा में आप इन्वॉल्व रहना। दोस्तों आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये शूट करी राजकुमार सिंह सिसोदिया, उसका एक इंस्टाग्राम पे पेज है क्रेडा लवर्स, उसको प्लीज नीचे जाके फॉलो करना है यार, उसको करना ही करना है आपको। तो अच्छा भाई वो सब जने भाई की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया यार धन्यवाद, आपने तो जो करा यार वो कोई नहीं कर सकता, और दोस्तों देखो दिखा रहे क्रेडा लवर्स शूट कर रहा है, तो भाई क्रेडा तो आनी ही है। तो ठीक है भाई, तो फिर मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।